बस बेटा खुशी खुशी अपने सफर पे जाओ। अम्मा बहुत ख्याल रखिएगा अपना, मैं बहुत फिक्रमंद हूँ आपके लिए। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अम्मा है मेरे पास। क्या तुम दोनों को अल्लाह अपने मकसद में कामयाब करे। इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें, हम रोजाना आपको कॉल कर लिया करेंगे। खुश रहा बात रहो। माहौ चले। आप ही शगुफ्ता अकबर हैं और सूद का कारोबार करती हैं। जी मैं शगुफ्ता ही हूँ। फरजाना और जावेद को जानती हैं आप? कौन है ये? मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती। मगर जावेद तो ये कह रहा है कि आपने इसे अपना मोरा बना रखा है और अपने तमाम जाली कारोबार में उसे ही आगे किया हुआ है। झूठ ही बोल रहा होगा और मैं क्या कह सकती हूँ। झूठ आप बोल रही हैं। आपने फराज साहब से भी झूठे बिजनेस के लिए इसे ही आगे किया और 5 लाख का आपने फ्रॉड भी किया। इनसे तो आज तक मेरी बात ही नहीं हुई, पूछ ले इनसे बैठे हुए यहाँ पे। क्या ये सच है फराज साहब? सर इन्होंने मेरी बीवी के साथ धोखा किया। लेकिन कोई बिजनेस डील नहीं हुई हमारी। देखे इंस्पेक्टर साहब, कानून आप जानते हैं लेकिन थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। कोई ऐसा कागज, कोई सबूत जिससे पता चले कि मैं इस डील का हिस्सा हूँ। अब इस तरह से आप शक की बुनियाद पे मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर सकते ना? देखिए, आप शगुफ्ता बीबी पर बगैर किसी ठोस सबूत के ना ही तो कोई FIR काट सकते हैं और ना ही इनको लॉकअप में रख सकते हैं। और वैसे भी मैंने इस मैटर में इनकी हिफाजती जमानत ग्रांट कराई हुई है, तो लिहाजा आप इनको फौरन यहाँ से जाने का हुक्म दें। ठीक है, अब ले जा सकते हैं। आइंदा तुमने इस तरह की जुर्रत की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। और ये दोनों को मैं बिल्कुल नहीं जानती हूं, आप इनको जो सजा देना चाहते हैं दें, मेरी बला से। सर देखा आपने इनका रवैया, हाय अम्मा, शाकर चले गए, अब माँ भी, घर तो बिल्कुल खाली हो गया। बस बेटा अल्लाह की यही मर्जी है, इंसान क्या कर सकता है। फिक्र नहीं करो, शायद मैं इसीलिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। जी अम्मा, इसी बात का तो आसरा है। मैं तो कहती हूँ कि फराज को मना कर, अनम को भी उसके घर रुख्सत करो, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। मैं भी यही सोचती हूँ, आपकी या मेरी आंखें बंद हो जाएं तो ये किसके सहारे रहेगी। अम्मा मैं तो कहती हूँ कि आप फराज और रहमत बीबी के घर जाके उनको मनाने की कोशिश करें, थोड़ी मेहनत समाजत करें। मैं तो इज्जत से हूँ तो जा नहीं सकती। यही ठीक है, शाम को जाती हूँ। औलाद कुछ भी कर ले लेकिन माँ उनके लिए बेहतरीन सोचा करती है। उस लड़के ने हमेशा मेरी बहुत इज्जत की है, मेरा भरम जरूर रखेगा वो। दादी पहले की बात और थी, लेकिन अब तो फराज मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते।